हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच फर्स्ट T20 मैच, उसके बारे में दोस्तों इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ चेंजेस हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे, सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों अभी तक आपने जो लेटेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन है माई फेब लेविन इसको डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर आपके लिए राज123 कोड डालना है, इससे आपके लिए ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। दोस्तों आपके लिए कोड डालना हाईली इंपोर्टेंट रहेगा, आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, यदि आप पुराने यूज़र हो तो आपके लिए 50% कैशबैक ऑफर मिल रहा है, और यदि आप नए यूज़र हो तो आप यहां से देख सकते हो आप ₹50 से दोस्तों 5-6 हज़ार तक कितना भी ऐड कीजिए आपके लिए 100% कैशबैक ऑफर मिल रहा है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिए दोस्तों। लो एंट्री फीस है, उसके अलावा 1 से 2 मिनट में बैंक विड्रॉ है, और दोस्तों आपके लिए लो कंपटीशन है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन हो जाती है, आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से सबसे पहले वेन्यू स्टेटस के बारे में, तो आप देख सकते हो बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में मैच होने वाला है, जो दोस्तों इस ग्राउंड पर ज़्यादा मैच नहीं खेलेगा, सिर्फ 2 ही मैच खेला गया, एक 2012 में खेला गया था दोस्तों, और उसके बाद शायद 2018 में मैच खेला गया था, 18 में जिम्बाब्वे और दोस्तों यहां से अफ्रीका के बीच खेला गया था, और 12 में भी ये मैच एक खेला गया था। तो यहां से बात की जाए ओवरऑल दोस्तों फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में 155 रन रहा है, वहीं सेकेंड इनिंग्स 146 रन रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ पर हाइएस्ट टोटल के बारे में 169 रन रहा है, वहीं लोएस्ट डिफेंड स्कोर के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हो 126 यहाँ पर लोएस्ट स्कोर रहा है। यदि बात की जाए हाईएस्ट चेस के बारे में तो 169 जो बना दोस्तों वो चेस भी हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि 2012 में मैच खेला गया था। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से लोएस्ट डिफेंड के बारे में तो 160 रन जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, इसमें साउथ अफ्रीका ने 34 रन से मैच विन कर लिया था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग विकेट देखने को मिल सकता है। जैसा कि अफ्रीका के जो पेस बॉलर है डेल स्टेन, इन्होंने कहा था कि एक अच्छी फास्ट विकेट नहीं है दोस्तों, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब आपके लिए जो फास्ट बॉलर है उनके लिए थोड़ी सी मदद मिलती हुई नज़र आ जाएगी। और इन दोनों दोस्तों कभी कभार बारिश हो जाती है अफ्रीका में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों बारिश में दोस्तों स्विंग कंडीशन हो जाती है, उस स्थिति में दोस्तों स्विंग बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है, स्पेशली दोस्तों यहाँ से डेल स्टेन को मदद मिल सकती है। यदि हेड टू हेड के बारे में बात की जाए तो टोटल 15 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच में, और बात किया दोस्तों यहाँ से इंग्लैंड ने आपके लिए 6 मैच विन कर दिए हैं, वहीं साउथ अफ्रीका ने आपके लिए 8 मैच विन कर दिए हैं। एक मैच ऐसा रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। यदि इनके दोनों के बीच हेड टू हेड लास्ट 5 मैचों की बात की जाए दोस्तों तो इनमें से 3 इंग्लैंड ने और 2 अफ्रीका ने विन कर दिए। अफ्रीका इस मैच को दोस्तों विन कर 6 मैचों में 3-3 से बराबरी करना चाहेगी, और दोस्तों अफ्रीका की टीम यहां से जो होम कंडीशन है इनकी उसका एडवांटेज भी लेना चाहेगी, तो अफ्रीका डेफिनेटली यहां से विन करने की पूरी कोशिश करने वाली है। भाई इंग्लैंड के बारे में बात की जाए दोस्तों काफी स्ट्रांग टीम है, आप जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी स्ट्रांग इनकी बल्लेबाजी है और गेंदबाजी भी इनकी अच्छी है। यदि टीम न्यूज के बारे में बात की जाए तो डेल स्टेन आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएंगे दोस्तों, 10 महीने बाद इन्होंने T20 में वापसी किया तो आपके लिए खेलती नज़र डेफिनेटली आ जाएंगे दोस्तों। फेफ डू प्लेसिस और कंगिसो रबाडा जो कि इनके दोनों ही मेल प्लेयर हैं आपके लिए खेलती नज़र नहीं आएंगे। जोरफा आर्चर आपने इनके बारे में सुना होगा दोस्तों, ये यहाँ से IPL से भी बाहर हो गए हैं, जी दोस्तों IPL से भी बाहर हो गए हैं, तो आपके लिए खेलती हुई नज़र नहीं आएंगे, एक दोस्तों इनकी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। साकिब महमूद इनकी जगह खेलती हुई नज़र आ जाएंगे, और शायद दोस्तों अपनी प्लेइंग 11 में भी जगह बनाते हुए खेलती हुई नज़र आ जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, और दोस्तों इन्होंने विकेट भी चटका है। वहीं बात की जाए दोस्तों यहाँ से आपके लिए और कोई इंजरी अपडेट नहीं है, यदि कोई भी मेरे पास इंजरी अपडेट की न्यूज़ आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहीं बात की जाए दोस्तों यहाँ से दोनों टीमों की संभावित ग्यारह के बारे में बात की जाए तो क्वांटन डिकॉक आपके लिए रिजा हेनिक साथ ओपन करते नजर आ जाएंगे दोस्तों। क्वांटन डिकॉक ने अभी तक पूरे सीरीज में दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस कर दिया है, तो आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। रिजा हेनिक्स ने फर्स्ट डाउन वाली बाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। वमुवा दोस्तों एक अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों, थोड़े रुक कर खेलते हैं और T20 के लिहाज से दोस्तों आपके लिए ठीक ठाक प्रदर्शन कर दे सकते हैं। दसन है दोस्तों, उसके अलावा जॉन स्मर्ट्स काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए 2 से 3 ओवर गेंदबाजी कर देने वाले हैं, उसके अलावा बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं दोस्तों। आमतौर पर ये फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बमूबा है फर्स्ट डाउन पर तो शायद आपके लिए खेलती नजर ना आए। उसके अलावा डेविड मिलर आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे T20 में दोस्तों, ये डाउन काफ़ी नीचे माना जाता है। ड्वेन पिटोरियस या सिसदा मंगला में से एक कोई खेलते हुए नजर आ जाएगा दोस्तों। यदि टीम एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज के साथ जाना चाहेगी तो सिसदा मंगला को खिला सकती है, या दोस्तों यहाँ से
यदि ऑलराउंडर के साथ जाना पसंद करेगी, ड्वेन प्रिटोरियस खिला सकती है, क्योंकि यदि ड्वेन प्रिटोरियस दोस्तों यहाँ से 2 से 3 ओवर फेंक गए तो 2 से 3 ओवर यहाँ से जॉन जॉन स्मर्ट्स फेंक लेंगे। उसके अलावा एंडल फिलिप्स को आए हो दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। डेल स्टेन, तवरेज शमसी और लुंगड़ी एंगड़ी। तवरेज शमसी दोस्तों इन्हें वनडे सीरीज में भी काफ़ी परेशान किया था दोस्तों इंग्लैंड की टीम को, इस सीरीज में भी T20 में भी ये परेशान कर सकते हैं। वहीं बात किया दोस्तों यहाँ से इंग्लैंड के बारे में, जेसन रॉय जॉनी ब्रेस्टो के साथ आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, दोनों इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों। डेविड मिलन और जोस बटलर दोस्तों एक कोई खेलता हुआ नजर आ जाएगा, जोस बटलर तो मेरे हिसाब से खेलना चाहिए दोस्तों, और इन्हें मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हें आपने देखा होगा ये राजस्थान रॉयल्स की ओर से ओपन करते हैं तो कितनी घातक बल्लेबाजी करते हैं, तो आप यहाँ से इनो टीम में ट्राई कर सकते हो। कोई भी न्यूज़ आएगी इनके बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट करूँगा, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यन मॉर्गन है दोस्तों, वैन स्टॉक्स हैं, मोइन अली हैं दोस्तों, सैम कुरन, टॉम कुरन है दोस्तों, उसके अलावा क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद और मार्क वुड, आपके लिए कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली है। यदि इसमें कोई चेंजेस होगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर न्यूज़ मिल जाएगी। अब बात कर लें दोस्तों इंपोर्टेंट प्लेयर की, सबसे पहले रिजा हेंड्रिक्स का नाम आता है, इन्होंने लास्ट के 9 मैचों में 299 रन बनाए, लगभग 33 का इनका एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी शानदार रहा है। दसन के बारे में बात की जाए, 7 मैच में 185, हालांकि दसन ने दोस्तों जो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते थे अभी वो नहीं दिखा पाए। उसके अलावा बात करें यन मॉर्गन, यन मॉर्गन आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाता है, 10 मैच में 279 रन इन्होंने बनाए, 39 का इनका एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट 169 दोस्तों। एज अ फिनिशर बल्लेबाजी करते हैं नंबर 4 पर T20 में, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। डेविड मिलन दोस्तों कहीं भी गए हों दोस्तों, किसी भी देश में खेले हों, इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। यदि डोमेस्टिक की बात की जाए, इंटरनेशनल में इन्हें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला दोस्तों, इससे पहले इन्हें मौका मिला था तो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर दी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोस्तों, जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड की उसमें इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। आप देख सकते हो 4 मैच में 208 रन बनाए हैं दोस्तों, 69 का इनका एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी शानदार रहा है। एंडल फ्लिस को आए वो 8 मैच में 15 विकेट चटकाए हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, इकोनॉमी इनकी इतनी अच्छी नहीं रही, 8 की रही है, उसके अलावा स्ट्राइक रेट भी इनका ठीक ठाक रहा है। वहीं बात की ब्रायन हेंड्रिक्स आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाता है, 4 मैच में 10 विकेट इन्होंने चटकाए। क्रिस जॉर्डन दोस्तों जो कि सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, 9 मैच में 16 विकेट चटकाए, इकोनॉमी 7.5 की रही है, और दिन का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो 10 का स्ट्राइक रेट, मतलब 10 रन देने के बाद 10.5 रन देने के बाद इन्होंने विकेट चटकाया। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से आदिल रशीद आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, 8 मैच में 11 विकेट इन्होंने चटकाए, इकोनॉमी इनकी लगभग वही रही है दोस्तों, और इनके स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहा है दोस्तों। तो कोशिश करिए कि 7 से 8 प्लेयर हैं ये आपकी टीम में रहने वाले दोस्तों, अपनी टीम में पिक करने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों यदि आप ड्रीम इलेवन पर इन्हें पिक नहीं कर पाते तो ऐसी एक एप्लीकेशन बताऊंगा जहाँ पर आप इन सभी को ईजिली पिक कर सकते हो, वहाँ आपके लिए क्रेडिट की इशू नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फैब 11, इसकी टीम का आपके लिए फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं। यदि आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए राज 123 दोस्तों राज 123 कोड डालना है, इससे आपके लिए 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा। बहुत शानदार एप्लीकेशन है, आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। 2 कंपटीशन है दोस्तों, 1 से 2 मिनट में आपके लिए बैंक विड्रॉ आ जाता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन में हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। आप यहां से देख सकते हो इसका फाइनल प्रीव्यू, क्वांटन डिकॉक, जॉस बटलर और जॉनी ब्रेस्टो को मैंने टीम में ट्राई किया है, बैटिंग सेक्शन बमुबा है, रिजा हेंड्रिक्स है और जेसन रॉय को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है। बात करें दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की, जो जॉन जॉन स्मर्ट्स हैं और दोस्तों यहाँ से बेन स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन की यदि बात की जाए, तबरेज शमसी, टॉम कुरन और दोस्तों यहाँ से मैंने मोहम्मद महमूद को टीम में ट्राई किया है। कोई भी चेंजेस करूंगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्रेडिट की वजह से जो इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं वो यहाँ पिक नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं जिसमें आप सभी को इंपोर्टेंट जो बड़े बड़े बल्लेबाज और बॉलर हैं आप सभी को ट्राई कर सकते हो। चलिए उस एप्लीकेशन के नाम आपके लिए मैं यहाँ से बता देता हूँ। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बैट बॉल 11 की। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए राज 123 कोड डालना होगा दोस्तों, कोड डालना आपके लिए हाईली इंपोर्टेंट रहेगा, इससे आपके लिए 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा और आप हमारे ड्रीम क्रिक ग्रुप फैमिली के सदस्य भी बन जाओगे। दोस्तों जैसा कि आपके लिए पता है कि जो हमारी फैमिली के सदस्य रहते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप दोस्तों कोड डालना हाईली इंपोर्टेंट रहेगा राज 123। और दोस्तों आपके लिए काफ़ी कम एंट्री फीस चार्ज करती है, लो कंपटीशन है, आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं यहाँ से फाइनल प्रोवाइड करा देता हूँ। आप देख सकते हो बॉल यहाँ से मैंने दोस्तों इन तीनों को तो ट्राई किया ही किया है। उसके अलावा बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की, तो मैं दसन को भी ट्राई कर पाया हूँ, रिजा हेंड्रिक्स, जेसन रॉय
और दोस्तों इसके अलावा बात करें जॉन जॉन स्मार्ट्स हैं वे इन स्टॉक्स हैं। उसके अलावा बात करें डेल स्टीन, यहाँ से क्रिस जॉर्डन और टॉम कुरन को मैंने टीम में ट्राई किया है दोस्तों। और इसके अलावा ही आप यहाँ से देख सकते हो मेरे पास 1 कैडेट लेफ्ट है दोस्तों, एक कैडेट मेरे पास बच गया है सभी इंपोर्टेंट प्लेयर के लेने के बाद, तो इसमें आपके लिए कैडेट की कोई भी इशू नहीं आएगी। तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा इसकी टीम का, आपके यहाँ से फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो दोस्तों। और कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हम चर्चा दोस्तों हमारी ड्रीम इलेवन टीम तैयार करते समय डिटेल से कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहां से तैयार कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन की, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच रहा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो आपके लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बटलर के खेलने पर थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इनके बारे में जो भी कन्फर्म न्यूज आएगी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं इन तीनों को ही ट्राई करने वाला हूं और तीनों के हाई क्रेडिट हैं दोस्तों, इससे हमारे पास क्रेडिट इशू भी आ सकती है दोस्तों। यदि बटलर का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में रहा तो ही मैं इन्हें पिक करूंगा दोस्तों, यदि इनका टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर नीचे जाता है तो मैं इन्हें दोस्तों मिस भी कर सकता हूं। चलिए बात करते हैं यहां से बल्लेबाजी सेक्शन की। बल्लेबाजी सेक्शन की बात करें दोस्तों तो आप यहां से देख सकते हो जेसन रॉय हैं, डेविड मिलान दोनों ही दोस्तों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। यदि बटलर को मिस करता हूँ दोस्तों तो मैं यहाँ से डेविड मिलान को यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ। आप फिलहाल की स्थिति में दोस्तों एक को चेंजेस कर सकते हो, डेविड मिलान को आप बटलर की अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से जेसन रॉय हैं, बात करें दोस्तों ईयन वॉर का नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि जेसन रॉय दोस्तों पिछले कुछ समय से इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिया स्पेशली T20 में, तो टीम इन्हें शायद यहां से मौका ना दे यहां से जॉस बटलर या जेसन रॉय में से एक किसी को ही मौका मिलने वाला है। जो भी आपके लिए कन्फर्म न्यूज होगी आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके अलावा ईयन वॉर का नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, काफी घातक बल्लेबाज हैं दोस्तों, चाहे T20 के लिहाज से हो चाहे वनडे के लिहाज से हो। उसके अलावा दसन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, आप दसन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पर ए भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, अफ्रीका की ओर से काफी भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, हालांकि अभी फॉर्म रिसेंटली इनका भी अच्छा नहीं चल रहा। उसके अलावा रिजा हैंडिक्स दोस्तों, इन्होंने वनडे सीरीज में ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, इतना टॉप परफॉर्मेंस भी नहीं किया था दोस्तों, इतना लो परफॉर्मेंस भी इन्होंने कर नहीं दिया था, तो यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई करने वाला हूँ। ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे और बमुआ आपके लिए काफी इंपोर्टेंट ए प्लेयर हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से बमुआ को मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला बिल्कुल डेफिनेटली हूँ। अब बात कर ले दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की, तो बेन स्टॉक्स आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप बेन स्टॉक्स को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली मैं इन्हें ट्राई करने वाला हूँ। मोइन अली दोस्तों बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे आने वाला है, आप चाहो तो इन्हें एज अ बॉलर ही टीम में अपनी ट्राई करिएगा, चाहे सैम कुरान है दोस्तों इन्हें भी एज अ बॉलर ही अपनी टीम में ट्राई करिएगा क्योंकि बैटिंग इनकी काफी नीचे आने वाली है। ड्वेन पेटोरियस और दोस्तों सिस्टम मंगला में से एक को ही खेलता हुआ नजर आया, जो भी दोस्तों खेलेगा उसकी न्यूज आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से एंडल फ्लिस्क्वायो, आप इन्हें भी एज अ बॉलर ही अपनी टीम में ट्राई करिएगा, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने अभी शानदार रिसेंटली कर दी है। उसके अलावा जॉन जॉन स्मार्ट्स दोस्तों, आप इन्हें एज अ ऑलराउंडर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि 2 से 3 ओवर आपके लिए फेंक कर देने वाले हैं। उसके अलावा नंबर 5 पर ये बल्लेबाजी करने वाले हैं, यदि टॉप ऑर्डर क्वालिफ होता है तो इनकी बल्लेबाजी जल्दी आ जाएगी, तो फिलहाल की स्थिति में इन्हें यहाँ से टीम में ट्राई करने वाला हूँ। आप यदि इनकी जगह इन दोनों में से या दोस्तों सैम कुरन में से किसी को भी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो दोस्तों चॉइस आपकी रहने वाली है। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो आप यहाँ से दोस्तों ट्राई कर सकते हो क्रिस जॉर्डन, आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाता है दोस्तों, आपके लिए डेथ ओवर में गेंदबाजी कर देगा, उसके अलावा 1-2 ओवर दोस्तों आपके लिए शुरुआत में भी कर देने वाला है, तो यहाँ से मैं बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों यदि आप यहाँ से जॉस बल्लर की जगह यहाँ से डेविड मिलान को टीम में ट्राई करोगे तो आप यहाँ से पूरे अच्छे बॉलर पिक कर सकते हो, अदरवाइज जॉस बल्लर के साथ जाओगे तो आप जो इंपोर्टेंट गेंदबाज हैं 1-2 छूट जाएंगे, तो ये फिलहाल की स्थिति में यहाँ से डेविड मिलान को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे पास दोस्तों अपडेट न्यूज़ आएगी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे बटलर तो आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, फिलहाल की स्थिति में यहाँ से डेविड मिलान को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है, आप डेल स्टीन के साथ जाना चाहते हो या टॉम कुरन के साथ जाना चाहते हो, इन दोनों में से आपको कोई एक पिक करना होगा। यदि दोस्तों आप इन दोनों को एक साथ पिक करना चाहोगे तो नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों आपके पास फिर थोड़ा सा क्रेडिट इशू आ जाएगा, आप चाहो डेल स्टीन के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो टॉम कुरन के साथ जा सकते हो। मैं फिलहाल की स्थिति में दोस्तों यहाँ से टॉम कुरन के साथ जाना पसंद करूँगा, डेल स्टीन काफ़ी समय बाद वापसी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी कर दे सकते हैं, लेकिन टॉम कुरन दोस्तों शानदार गेंदबाजी तो करते ही हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है इन्हें, और उसके अलावा दोस्तों इनके पास एडवांटेज है कि बल्ला अच्छा चला लेते हैं, तो आपके लिए बल्लेबाजी भी अच्छी कर दे सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ से ऑप्शन है, आदिल रशीद है, मार्क वुड है दोस्तों, उसके अलावा बुरन हैंड्रिक्स तो शायद आपके लिए खेलते नजर ना आए, तबरेज शम्सी
दोस्तों ये इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तबरेज़ शम्सी आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाता है, क्यों हो जाता है उसके पीछे रीजन है दोस्तों। इन्होंने चाहे दोस्तों तीनों ही वनडे सॉरी एक वनडे में तो गेंदबाजी इन्होंने नहीं मिली थी क्योंकि बारिश आ गई थी, लेकिन दोनों ही वनडे में इन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर दी थी। तो फिलहाल की स्थिति में टीम में ट्राई करने वाला हूँ। नुंगड़ी एंगड़ी को यदि टीम मौका देगी दोस्तों उसकी न्यूज़ आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा महमूद हैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, आप महमूद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। प्रिक्सन भी आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं यहाँ से तबरेज़ शम्सी को अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में और टीम के फाइनल प्रीव्यू के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों आपके लिए क्वांटन डिकॉक बहुत शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। उसके अलावा आपके लिए यहाँ से जॉनी ब्रेस्टो और दोस्तों मेरी जो थर्ड चॉइस रहने वाली है वो बेन स्टोक्स। तो मेरे पास ये तीनों ही इंपोर्टेंट चॉइस हैं दोस्तों, आप इनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।